हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंने आपको यूपी टेट एग्जाम्स के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के शॉर्ट नोट आपके स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने कल मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन टॉपिक के बारे में बात करा था। तो आज भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपका है मेला, जल और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपने तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक को कर लिया ना तो लगभग लगभग आपके 6 से 7 नंबर इन तीनों टॉपिक से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो तीनों को मैंने आपको विस्तारित रूप में पहले बता रखा है और साथ ही साथ में हम बात करेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर और कुछ आपके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे ही पूछे जाते हैं। ओके, तो ये हमारे यूपी टेट के पर्यावरण अध्ययन के शॉर्ट नोट्स की सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक लिख लीजिए मेला। तो देखो, मेले की बात करी जाए तो सबसे मेले में सबसे इंपॉर्टेंट मेला आप सभी को पता है कौन सा मेला होता है, कुंभ मेला, जो कि भारत के 4 स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि कितने वर्षों में, तो प्रत्येक 12 वर्षों में। बच्चे यहीं पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 वर्ष में मनाया जाता है कि 12 वर्ष में। तो ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो कुंभ मेला होता है वो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है और भारत के 4 राज्यों में मनाया जाता है। कौन कौन से? तो ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के शहर प्रयाग, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था, प्रयागराज कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य के साथ साथ शहर भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा है मध्य प्रदेश यानी कि उज्जैन में, तीसरा है महाराष्ट्र के नासिक में और चौथा आपका उत्तराखंड के हरिद्वार में। तो प्रत्येक 12 साल में आपका इसका आयोजन किया जाता है और इन 4 राज्यों में किया जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और इसी के साथ साथ में जो अर्ध कुंभ मेला होता है, जो कि प्रत्येक 6 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, कहाँ पर? प्रयाग में। तो अगर आपसे पूछा जाए कुंभ मेला, तो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है भारत के इन 4 राज्यों में, और अर्ध कुंभ मेला यानी कि देखने से पता लग जाता है आधा वो 12 साल में मनाया जाता है, तो ये 6 वर्ष में मनाया जाता है, कहां पर? प्रयाग में मनाया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका श्रवणी मेला या फिर श्रवण मेला भी कहा जाता है इसको, जो कि कहां पर मनाया जाता है? तो झारखंड के देवघर नामक जगह है, वहां पर मनाया जाता है, जहां पर मंदिर है बैद्यनाथ का मंदिर, वहां पर मनाया जाता है ये आपका। ओके, और कब? तो पूरा आप ये पूरे के पूरे श्रवण जो महीने होते हैं यानी कि जो जुलाई और अगस्त का महीना जो चल रहा है, उस महीने में ये मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर जो आपके बाबा बैद्यनाथ है यानी कि जो शिव जी है, उनकी वहां पर पूजा की जाती है। ओके, तो मनाया जाता है झारखंड में देवघर में, जो कि आपका जो देखते हो आप जो कावड़ वगैरह लेके जाते हैं, तो झारखंड के लोग, बिहार के लोग यहीं देवघर में लेके जाते हैं, जैसे कि दिल्ली के आसपास कहां लेके जाते हैं? हरिद्वार में। ओके, नेक्स्ट है आपका पुष्कर मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, कहां पर? राजस्थान में मनाया जाता है। आप सभी को पता है पुष्कर कहां पर है राज्य, वो है आपका राजस्थान के अंदर, और पुष्कर जो शहर है वो उसी में मनाया जाता है ये पुष्कर मेला। ओके, जो कि कब मनाया जाता है? तो एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा का जो मंथ होता है यानी कि जो अक्टूबर नवंबर का मंथ होता है, उस मंथ में इसको मनाया जाता है। और एक नोट करने की बात यहां पर यह है कि ऊंटों का दुनिया में सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला ही है। ओके, जो राजस्थान में लगता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऊंटों के लिए जितनी भी वहां पर खरीदारी बिक्री होती है, ऊंटों का सबसे बड़ा जो मेला होता है वो पुष्कर में ही लगता है। ऊंटों का मेला आपका आगरा यानी कि यूपी में भी लगता है, लेकिन वो इतना बड़ा मेला नहीं होता जितना वो पुष्कर का बड़ा होता है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका गंगा दशहरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गंगा उत्सव या फिर गंगा दशहरा कहां पर। दो पॉइंट बनते हैं यहां से, गंगा दशहरा और गंगा महोत्सव, दोनों चीज अलग अलग है। ओके, तो गंगा दशहरा जो है वो आपके ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन जून मंथ में मनाया जाता है, जो कि किस लिए मनाया जाता है? तो ब्रह्मा जी के कमंडल के अंदर गंगा जी को लाया गया था और पृथ्वी पर वहां से गंगा का निर्माण किया गया था। आप सभी को पता है गंगा कहां से निकलती है और कौन कौन से राज्य से बहती है, तो आपको यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि कहां और किस लिए मनाया जाता है। ओके, तो ये जो गंगा दशहरा दिवस है यूपी वाराणसी में मनाया जाता है, कौन से मंथ
में, तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी में जून मंथ में मनाया जाता है। और वहीं पर ही अगर आपसे बात करी जाए गंगा महोत्सव की, तो वो मनाया जाता है नवंबर के मंथ में। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ओके। और उसी के साथ साथ में यहाँ की बात आई है तो एक महोत्सव आपका और होता है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव का भी कई बार आपसे टाइम पूछ लिया जाता है, फिर है क्या, तो ध्यान रखिएगा ताज महोत्सव जो है वो यूपी के आगरा शहर में मनाया जाता है। आप सभी को पता है ताजमहल कहाँ है, ताज कहाँ पर है, आगरा में। तो आगरा शहर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये पूरा का पूरा जो कार्निवल होता है 10 दिन का होता है, फरवरी के मंथ में ये मनाया जाता है, जिसमें पूरे भारत की जो कलाकृतियां होती है, जो नृत्य होते हैं, उसका वहां पर आयोजन किया जाता है। तो वो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा उसको, ओके। नेक्स्ट है आपका छठ पूजा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट कहां के लोग मनाते हैं, बिहार के लोग, लेकिन उसके साथ साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग और बंगाल के लोग भी इसको मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको वहां पर बिहार ऑप्शन ना मिले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग या फिर बंगाल के लोग भी इसको मनाते हैं। कोई का भी ऑप्शन देखने को मिले तो आप उसको टिक कर सकते हो, लेकिन बिहार ऑप्शन आपको जरूर देखने को वहां पर मिल ही जाएगा। जो कि कब मनाया जाता है, तो कार्तिक मंथ के यानी कि नवंबर मंथ में मनाया जाता है, जो कि कहा जाता है दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है इसको, ओके। नोट करने की बात यहां पर यह है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि छठ पूजा में किस देवी देवता की पूजा करी जाती है, तो इसमें अस्त होते हुए सूरज की पूजा करी जाती है, मतलब जो डूबता हुआ सूरज होता है उसकी पूजा करी जाती है। तो डायरेक्टली इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां पर सूरज की पूजा करी जाती है, सूर्य देवता की, ओके। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहां पर बार बार फोकस कर रहा हूं। नेक्स्ट है आपका बटेश्वर मेला, जो कि कहां पर लगता है, तो मैंने अभी आपको बताया था पुष्कर मेला जो होता है ऊंटों का सबसे बड़ा मेला होता है, और जो मेला ऊंटों का लगता है वो यूपी में आगरा में भी लगता है। तो ये आपका ऊंटों का जो मेला होता है वो उसी को बटेश्वर मेला कहा जाता है, जो कि कहां लगता है, आगरा में। कब लगता है, तो कार्तिक मंथ यानी कि नवंबर के आसपास देखने को ये मेला दिखता है, ओके। नेक्स्ट है आपका सैयद सालरम मेला, जो कि कहां पूछा गया है क्वेश्चन है कि सैयद मेला कहां लगता है, तो ध्यान रखिएगा यूपी में एक जगह है बहराइच, वहां पर ये मेला लगता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है सोनपुर का मेला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात कहां लगता है, तो बिहार के सोनपुर में लगता है ये। कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर मंथ में लगता है। और ये आपको यहां पर ये ध्यान रखने की बात है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है ये, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का या फिर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो सोनपुर का मेला ही पशुओं का सबसे बड़ा मेला होता है, ओके, जहां पर पशुओं की खरीदारी या फिर बिक्री की जाती है। नेक्स्ट है दुर्गा पूजा। देखो दुर्गा पूजा जो है वो आपका अधिकतर जो देखने को मिलता है वो बंगाल के लोग, आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से काली माता की या फिर अलग अलग तरीके की मूर्ति बनाकर उसका विसर्जन करते हैं। जैसे कि गणेश चतुर्थी जो होती है वो ज्यादातर कहां मनाई जाती है, मुंबई में। वैसे ही जो दुर्गा पूजा होती है वो पश्चिम बंगाल की बहुत मेला जो होता है, बहुत बड़ा उत्सव होता है, काफी लोग वहां पर काफी भीड़ देखने को मिलती है, ओके, तो ध्यान रखिएगा। और वैसे ही उड़ीसा का एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसको पुरी की रथ यात्रा भी कहा जाता है, जो कि कहां पर मनाया जाता है, उड़ीसा में, ओके। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट मेले जहां से आपके बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था आज का हमारा पहला टॉपिक मेले, यहां से आपके देखे होंगे आपने यूपी टेट एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जल। तो आज का अपना टॉपिक लिख लीजिए, क्या है आज का हमारा टॉपिक, सेकेंड, जल। तो आप सभी को पता है जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो भाग है वो ज्यादातर भाग कितना कवर है, वो ज्यादातर भाग जल से कवर है। जो भूमिगत स्थल है वो काफी कम है, तो उसी अनुसार अगर आप रेशो में बांटा जाए तो पृथ्वी का जल प्रतिशत जो है वो 71% है। वैसे 70.8% है, लेकिन लगभग में वो 71 मान सकते हैं हम उसको, ओके। तो पृथ्वी पर जो पूरा जल का प्रतिशत है वो 71% जल से घिरा हुआ है, और बाकी जो बचा हुआ है वो भूमि का स्थल का वो हिस्सा है, जो कि कितना है, 29%। अब यहां पर देखो ये जो पृथ्वी पर जल है पूरा का पूरा कितना परसेंट है, 71% है, 71% है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो जल है वो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य जो पानी है वो बहुत कम है, जिसके बारे में आप अभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड आपके जल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि आपका जल दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा,
आपका 21वां एजेंडा जो कि ब्राजील ने 1992 में यूएन कॉन्फ्रेंस के सामने प्रस्तुत किया था और जो कि आपका विश्व जल दिवस मनाने का उन्होंने निर्णय लिया था। तो ध्यान रखिएगा कौन से एजेंडे में, 21वें एजेंडे में 1992 में ब्राजील ने यूएन कॉन्फ्रेंस में रखा था यह प्रस्ताव। ओके, तो प्रस्ताव रखा गया 1992 यानी कि 1992 में और उसको परिधारित करा गया नेक्स्ट साल यानी कि 1993 में 1993 में और पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया 22 मार्च को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है वो आप सभी को पता है, जल की रक्षा करने के लिए, जल से सेव करने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है धीरे धीरे जल की समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती जा रही है। ओके, अगर उसी एग्जाम्पल पर हम समझने की कोशिश करें तो 1 किलो जो गेहूं उगाते हो ना आप, यानी कि जो खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, जो 1 किलो गेहूं उगता है उस 1 किलो गेहूं को उगाने के लिए कम से कम 1500 लीटर के पानी की जरूरत होती है। आप देख सकते हो 1 किलो गेहूं जो होता है वो मुश्किल से 3 या 4 पर्सन के लिए, व्यक्तियों के लिए होता है, वो भी एक टाइम के लिए। अब यहां पर देख सकते हो अगर वो क्विंटल के क्विंटल गेहूं उगते हैं अनाज मंडी में, आपने देखा होगा तो कितना पानी उनमें लगता होगा, उसी हिसाब से आप नाप सकते हो। ओके, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा कि 1 किलो गेहूं उत्पादन में कितने पानी की आवश्यकता होती है। और जो भारत का पूरा जो स्थल एरिया यानी कि जो जमीनी एरिया है उसमें केवल 23.81% भूमि पर वन है, यानी कि जंगल है, पेड़ पौधे हैं। देखिए किसी भी देश के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, हवा को स्वच्छ रखने के लिए कितना फीसदी वन का होना चाहिए, पेड़ों का होना चाहिए, वो 33% कम से कम जितनी भूमि है, 100% भूमि है तो 33% भूमि पर क्या होना चाहिए, जंगल यानी कि वन यानी कि पेड़ होने चाहिए। लेकिन भारत में केवल कितना है, वो 23.81% है। ये पहले तो और भी कम था लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ रहा है क्योंकि भारत इस तरह क्या कर रहा है, अपनी सोच विकसित कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे जो नंबर वन पे देश है जिसमें आपके सबसे ज्यादा जो जंगल पाए जाते हैं वो कौन सा है, तो रूस है, ध्यान रखिएगा रूस है। सेकंड नंबर पे ब्राजील है, थर्ड पे कनाडा है, फोर्थ पे यूएसए है और फिफ्थ पे चाइना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का विश्व पर कौन से स्थल पर नाम का नाम आता है तो 10वें स्थान पर भारत का नाम आता है भूमि पर वन के लिए और एशिया में आता है उनका 4थे स्थान पर। ध्यान रखिएगा एशिया यानी कि पड़ोसी देश में आता है 4थे स्थान पर और भारत का पूरे के पूरे विश्व में नंबर आता है 10वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जल के प्रकार, अब आता है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू, बाकी अब तक जो थे वो महत्वपूर्ण बिंदु थे जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जल जो आपका माना जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, पहला कठोर जल जो कि आप खारा पानी भी बोल सकते हो जो कि पीने योग्य नहीं होता है, समुद्री पानी होता है, और दूसरा आपका सॉफ्ट वाटर मृत जल, ये पानी वो होता है जो फ्रेश वाटर होता है, पी सकते हो आप, इसको पीने लायक ये होता है। तो जल में आपके ये 2 प्रकार होते हैं। अब बात कर लेते हैं जो कि मैंने आपको बोला था पीने योग्य जो धरती पर पानी है वो कितना परसेंट बचा हुआ है। तो देखो जो कि जल मैंने आपको बताया पूरी पृथ्वी पर कितना परसेंट है, वो 71% है। तो हम उस 71% को 100% मान ले क्योंकि समझने में उससे आसानी होगी। तो जल मान लिया हमने 100%, तो जिसमें से आपका 97.5% जो होता है वो कठोर जल यानी कि सी वाटर में होता है, मतलब नमकीन पानी होता है, ये सॉल्टी वाटर होता है जिसको आप पी नहीं सकते हो। पियोगे तो आपको अजीब लगेगा, इसमें नहाओगे तो साबुन नहीं लगेगा, झाग नहीं निकलेगा, ये कैसा होता है आपका सॉल्टी वाटर होता है, सी वाटर होता है, किसी काम का ये नहीं होता है। वहीं पर आप मृदा जल यानी कि फ्रेश वाटर की बात करी जाए तो वो केवल 2.5% है। तो आप देख सकते हो जो फ्रेश वाटर, मैंने अभी ये नहीं बोला पीने योग्य पानी, मैंने ये कहा है कि शुद्ध जल फ्रेश वाटर मृदा जल वो केवल 2.5% है। ओके, अब इन 2.5% में भी आपके कुछ हिस्सों में बटे हुए हैं जल, तो इन 2.5% में जो अगर 60% मान लिया जाए तो वो ग्लेशियर्स में है यानी कि हिमखंड में है, जो बर्फीले फॉर्म में है, पानी तो मीठा है वो फ्रेश है लेकिन वो जमा हुआ है तो आप उसको कैसे पी पाओगे। तो 60% यानी कि 2.5 का अगर आधा मान ले तो आधा कितना होता है, वो 1.5 हो जाता है 2 का, तो मतलब यहां पर सीधा सीधा 2.5% का आधा कर दो जो कि हिमखंड में जमा हुआ, बल्कि उससे ज्यादा ही जमा हुआ है, तो बचा कितना आपका 1% पानी बचा।
उसमें से 30% पानी जो है वो अंडरग्राउंड है, मतलब जमीन के अंदर है, और 10% पानी जो है वो लेक में, रिवर में, यानी कि पौंड या जो आपके तालाब या फिर जो आपके यहाँ पर लेक्स वगैरह होते हैं उनमें है, जिसमें आप आधे से ज्यादा मनुष्य ने क्या कर रखे हैं, दूषित कर रखे हैं फैक्ट्री का पानी या फिर मलमूत्र मिलाकर। तो ये आप देख सकते हो पीने लोग जो आपका पानी है वो केवल 2.5% में केवल 40% है। अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से तो केवल 1% पानी पेयजल है, और 1% भी क्यों, इससे भी कम। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर 1% ही लिखा आता है। तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी पर केवल पीने योग्य पानी जो है वो केवल 1% पानी है। ओके, वैसे ही सामान्य व्यक्ति के जो अंदर खून होता है वो 5 से 6 लीटर खून यानी पाया जाता है, जिसमें से आपका 90% क्या होता है, पानी होता है। यानी कि आपके शरीर के अंदर जो पानी की मात्रा है, जो खून की मात्रा है, वो 5 से 6 लीटर होती है। उस 5 से 6 लीटर खून के अंदर जो 90% भाग होता है वो किस चीज़ का होता है, पानी का। तो देख सकते हो कितनी ज़रूरी पानी है हमारे यानी कि मनुष्य के लिए। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि गर्म पानी के स्रोत कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा मणिकरण, या आपका कुल्लू में एक जगह पड़ता है मणिकरण, वहां पर प्राकृतिक गीजर है, नेचुरल गीजर है, वो आराम से आपका क्या होगा, नेचुरल गर्म पानी वहां पर देता है। तो वो क्या कहलाता है आपका, वो नेचुरल गीजर यानी कि प्राकृतिक गीजर कहलाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ शहर ऐसे हैं जो नदियों के किनारे हैं। अब ध्यान रखिएगा ये नदियों के किनारे आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक है, लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में बात करेंगे, और जो आपका नदी के किनारे आपके बसे हुए शहर है उनके बारे में एक डिटेल वीडियो में आपको बना के दे दूंगा। तो पहला आ जाता है आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिल्ली, जो कि अधिकतर नाम सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि राजधानी है। कहां पर है? यमुना किनारे बसी हुई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे गंदी यानी कि सबसे आपकी दूषित हीन कौन सी रिवर है, तो ध्यान रखिएगा यमुना नदी जो होती है वो सबसे दूषित नदी है। ओके, नेक्स्ट है आगरा भी यमुना किनारे हैं, लखनऊ गोमती किनारे हैं, पटना गंगा किनारे हैं, और उज्जैन शिप्पा किनारे हैं। तो ये कुछ आपके शहर थे जो कि नदी किनारे होते हैं और क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछ लिया जाता है। वैसे जैसे कि हरिद्वार हो गया गंगा किनारे, बनारस हो गया गंगा किनारे, या फिर आपका अहमदाबाद हो गया, वो कहाँ पर है, वो साबरमती के शायद किनारे पे, हाँ बिल्कुल वहीं पर ही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कुछ आपके शहर जो है वो नदी किनारे बसे होते हैं और वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको अच्छे तरीके से वो कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा एक टॉपिक में। और अगर आपसे पूछा जाए कि बादल यानी कि बारिश किस प्रक्रिया के द्वारा होती है, तो बादल जो होते हैं वो संघनन के बाद बरसते हैं, यानी कि जो बादल का जो वेपराइजेशन होता है, यानी कि पूरी प्रक्रिया जो साइकिल चेन चलती है, उसको क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, ध्यान रखिएगा बारिश कब होती है, संघनन, बादल के संघनन के बाद बरसते हैं। बारिश आने के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, आप सभी को पता है, जो कि कहां दिखाई देगा, वो सूरज के विपरीत दिशा में दिखाई देगा, कभी भी सूरज की दिशा में वो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जो किरणें होती हैं वो पानी की बूंदों के साथ रिफ्लेक्ट करती है, जिसके कारण 7 प्रकार के रंग निकलते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग निकलते हैं, 7 प्रकार के, जिसमें मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी याद करने के लिए, विबिग्रो। अगर आपने याद कर लिया विबिग्रो, तो वो सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं आपके किस चीज के, वो इंद्रधनुष के रंग के। और वहीं पर ही अगर आपसे पूछा जाए कि मृत सागर सबसे क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा मृत सागर एक ऐसा सागर है जिसका पानी जो है वो बहुत नमकीन है। अगर नापा जाए तो 1000 मिलीलीटर पानी के अंदर 300 ग्राम से ज्यादा नमकीन यानी कि नमक उसमें पाया जाता है। अगर आपको वहां पर तैरने के लिए छोड़ दिया ना जाए ना, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो उस नदी में, उस समुद्र में डूबने की, आप उसमें डूब नहीं पाओगे। वहां पर क्या करोगे, आराम से आप तैरते रहोगे, इतना का नमकीन पानी होता है। और ऐसा कब होता है, तो ऐसा जब होता है जब आपका वस्तु का घनत्व क्या होगा, जल के घनत्व से कम होगा, तो क्या करती है, तैरती है। तो पानी का घनत्व क्या है, ज्यादा है, और आपका क्या है, आपका कम है, तो जिसके कारण क्या हो रहे हो, आप तैर रहे हो। ओके, क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ध्यान रखिएगा। और उसी के साथ साथ में पुराने समय में जो मुसाफिर होते थे यानी कि जो घूमते थे लोग, उनके लिए पानी पीने के लिए किस किस चीजों की व्यवस्था की जाती थी, तो क्या कि प्याऊ किया जाता था, मशक को द्वारा किया जाता था, कुओं द्वारा किया जाता था, और बावड़ियों द्वारा किया जाता था। अब ये बावड़ी क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा सीढ़ीदार कुएं होते हैं जो कि नीचे की तरफ पानी होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो होता है वो रेतीला इलाका गर्म होता है, जिसके कारण जमीन के अंदर सीढ़ी बनाकर अंदर पानी को रखा जाता है ताकि वो ठंडा रहे और जल्दी से वेपराइज यानी कि भाप बनकर उड़ ना जाए। तो वो सीढ़ीदार कुएं होते हैं। ओके,
और उसी के साथ साथ में आपका एक और होता है तरीका चश्मा, जो कि क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा पहाड़ी इलाकों पे जो पानी सेव करने का जो तरीका है वो सबसे प्रमुख तरीका पहाड़ी इलाकों पर चश्मे से ही किया जाता है। अब चश्मा का लगाने का मतलब ये नहीं है कि अपने आंखों पे पहनने वाला, नहीं, देखो जो पहाड़ों के बीच में जो जगह बनती है बारिश की वजह से दोनों पानी तरह से सरक के आते हैं और बीच में इकट्ठा हो जाता है, उसी को ही चश्मा कहा जाता है। ओके, जो कि पहाड़ी इलाकों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो वहां पर पानी को सुरक्षित रखने का उपाय है। वहीं पर आपने एक अधिकतर क्वेश्चन देखा होगा अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन के द्वारा, वो किसके कारण होता है, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ताजमहल का रंग धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है वो किस कारण, तो ध्यान रखिएगा जो अम्ल वर्षा होती है फैक्ट्री में जो दूषित धुएं वगैरह निकलते हैं SO2 निकलता है यानी कि सल्फर ऑक्साइड जो निकलता है उसके कारण जो होता है वो एसिड रेन होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे हो गए, इमारतें होगी, हवा होगी, ये सारी की सारी क्या होती है धीरे धीरे दूषित होने लग जाती हैं। ओके, तो वही आप SO2 जो है वो ताजमहल का पीले होने का कारण बनता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, और वहीं पर ही जल प्रदूषण का एक पूरा का पूरा चैप्टर है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऐसा करके पूरा आपका ध्वनि प्रदूषण, ऐसा करके पूरा एक टॉपिक है वो करवाऊंगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। आप यहां पर बस इतनी बात ध्यान रखिएगा कि जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या होते हैं, तो कारखानों का जो अपशिष्ट आता है मतलब जो उनके वेस्टेज होते हैं वो, मलमूत्र या फिर DDT यानी कि जो वेस्टेज केमिकल्स होते हैं उनको नदी में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है जल प्रदूषण हो जाता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिसके कारण जल क्या होता है दूषित होता है, और जल को, जल की मात्रा को मापने के लिए यानी कि जल में कितना प्रदूषित है, कितने आपके वहां पर जीवाणु हैं, उसको नापने के लिए कुछ मेथड होते हैं, कुछ परीक्षण होते हैं, जैसे कि BOD पीछे वाला क्वेश्चन या पिछली बार पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा इसको दो नामों से एक ही बार कहीं पर पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा बायोकेमिकल या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी फुल फॉर्म है, जरूर ध्यान रखिएगा। BOD की या तो बायोकेमिकल देखने को मिल सकता है या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देखने को मिल सकता है, यह पूरी की पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा नदी व तालाब के पानी की शुद्धता की जांच की जाती है इस परीक्षण के द्वारा। अब इसमें जो होता है शुद्धता को नापने के लिए 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए तब जाकर पानी को शुद्ध माना जाता है। ओके, तो नदी व तालाब के पानी की शुद्धता को नापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, BOD का, जो कि फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और उसी के साथ साथ में COD भी, पानी व नदी की तालाबों की दूषित की जांच की जाती है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, दोनों टेस्ट BOD COD दोनों को एक साथ किया जाता है जल की प्रदूषित या उसमें परजीवियों का पता करने के लिए। और लास्ट में आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट DO, काफी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, तो DO की फुल फॉर्म होती है डिसॉल्व ऑक्सीजन। ये क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जैसे कि आपने देखा होगा पानी में अधिकतर जो मछलियां होती है वो धीरे धीरे क्या करती रहती है, वो मरती रहती है, वो क्यों मरती है, तो जल में O2 की कमी से यानी कि ऑक्सीजन की कमी से, तो जल में ऑक्सीजन की कमी को मापने के लिए आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन की परीक्षण किया जाता है, इसके द्वारा नापा जाता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके जल रिलेटेड टॉपिक से। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं, उनको भी एक बार देख लीजिए। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रखा है, ध्यान रखिएगा इनको, जैसे कि पहला तरुण भारत संघ नामक संस्था, ध्यान रखिएगा तरुण भारत नाम की एक संघ की संस्था है जो कि खराब पड़े यानी कि जो बिल्कुल सूखे पड़े तालाब व झीलों की क्या करता है, मरम्मत करके दोबारा उनको कार्य लायक बनाता है, जो कि किसके कहां पर कहा गया था, तो डांडी माई एक थी उनके प्रयास के द्वारा जो नए नए गांव में तालाब व जो सूखे पड़े थे उनको दोबारा से पुनर्निर्मित करा गया था, तो उस संघ का क्या नाम है, तो तरुण भारत संघ नामक की संस्था है वहां पर। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति किसी के अंदर कब तैरता है, या फिर नींबू पानी के अंदर क्यों नहीं डूबता, उबला हुआ अंडा नहीं डूबता, या कील डूब जाती है, कटोरी क्यों नहीं डूबती, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वो क्यों नहीं डूबती, क्योंकि देखो यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होगा तो क्या करेगी, तैरेगी। रखिएगा वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से, यानी कि अगर जल की डेंसिटी ज्यादा हुई और वस्तु की कम हुई तो पानी पर तैरेगी, जिसके कारण क्या होता है, पानी पर वो सारी चीजें तैरती हैं। ओके,
तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु थे जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर जल। ओके, यहां से आपके जितने पॉइंट्स बनते हैं वो सारे भी बताए और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु भी बताए जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि आपका भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है। ओके, तो लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक थर्ड क्या है, भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। यहां से लगा लीजिए कम से कम, नहीं तो आपके एक से दो नंबर के क्वेश्चन हमेशा हर बार पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता भी है। भोजन अगर आप प्रॉपर करोगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा और स्वच्छता आपके आसपास अच्छी रहेगी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, जो कि किसके ऊपर फोकस करता है, भोजन के ऊपर। तो पहले हम पढ़ेंगे भोजन के बारे में, फिर बात करेंगे हम स्वच्छता के बारे में। ओके, कि स्वास्थ्य रहने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप शाब्दिक अर्थ में कहो तो शरीर के विकास के लिए हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है संतुलित और असंतुलित भोजन के बारे में। ओके, तो शरीर के विकास के लिए, यानी कि आपने अपने शरीर का जो डेवलपमेंट होता है उसके विकास के लिए हमें कैसा चाहिए, संतुलित भोजन चाहिए, उसकी आवश्यकता है। जो कि हमें संतुलित भोजन ही प्राप्ति के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यकता है या कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल या रेशेदार पदार्थ। अब ये रेशेदार पदार्थ, यहाँ पर कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इनको इंग्लिश में फाइबर्स कहते हैं, मतलब वो सारी चीजें जैसे कि आपके सलाद हो गए, इन चीजों से जो आपके प्राप्त होते हैं उन्हीं को ही रेशेदार पदार्थ कहा जाता है। ओके, जैसे खीरा वगैरह हो गया, खाने के साथ लेते हो आप, क्यों? क्योंकि इस जो आप खाना खाते हो ना, उसको हजम करने में वो आपकी मदद करता है। तो अगर आप खाना खा रहे हो उसके साथ सलाद आप जरूर लो, आपकी वो हेल्थ को क्या रखेगा, काफी बेनिफिशियल रखेगा। तो ये सारी चीजें अगर किसी फ्रूट के अंदर है तो वो कैसा कहलाएगा, आपका संतुलित आपका आहार कहलाएगा। अगर संतुलित आहार यानी कि इनमें से किसी चीज की कमी हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, आपका असंतुलित आहार कहलाता है, जिसके कारण बच्चे के अंदर क्या देखा जाता है या व्यक्ति के अंदर क्या देखा जा सकता है, कुपोषण। तो आपने देखा होगा कुपोषण किस कारण होता है, तो उसका मेन रीजन यही होता है कि लंबे समय तक आप असंतुलित भोजन का श्वासन कर रहे हो या फिर ले रहे हो, जिसके कारण बच्चा या व्यक्ति क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो ये तो थी आपकी डेफिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संतुलित आहार के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशेदार पदार्थ, जिसमें से मैंने आपको रेशेदार पदार्थ बता दिया है, जो कि आपके हाजमे को स्वस्थ रखने के लिए, आपके खाने को पचाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे कि सलाद। ओके, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सिंपल है, बस उतना ही है उसके बारे में। लेकिन बाकी जो है कार्बन हाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण जो है, इनके बारे में हम जो कि धीरे धीरे, मतलब एक एक टॉपिक करके बात करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर हमारा इसी के ऊपर डिपेंड है और यहीं से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट। अब इसको इंग्लिश में भी कार्बोहाइड्रेटिक कहा जाता है। तो ये क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ये है ना आपका क्या कहलाता है, एनर्जी फूड कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस चीज को आप लेते हो तो आपको जो आपके शरीर होती है उसको तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब इंस्टेंट एनर्जी मिलती है इस चीज से। जैसे कि शरीर को तुरंत ऊर्जा देने के लिए या प्राप्त करने के लिए किन चीज की जरूरत होती है, कार्बन हाइड्रेट की जरूरत होती है, जो कि हमारे शरीर में 50-75% जो ऊर्जा प्राप्ति होती है वो हमें इसी से प्राप्त होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा तत्व है या वह कौन सा पदार्थ है जिसके कारण हमारे शरीर की आधी से ज़्यादा यानी कि एक तिहाई शक्ति ऊर्जा प्राप्त होती है, तो किस चीज़ से होती है, हमें कार्बन हाइड्रेट से मिलती है। या फिर आपसे पूछा जाए कि कार्बन हाइड्रेट को किस नाम से जाना जाता है, तो तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाली चीज़ के नाम से भी जाना जाता है। या क्वेश्चन उल्टा करके पूछ ले कि तुरंत ऊर्जा प्राप्त हमें किस चीज से मिलती है, तो कार्बन हाइड्रेट युक्त पदार्थ से मिलती है। ओके, अब इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, तो चाहे वो आपका गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, बाजरा हो, आलू हो इत्यादि, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, वो आपके कार्बन हाइड्रेट की प्रचुर मात्रा में इनके अंदर पाया जाता है। तो कई बार आपसे तो यही पूछ लेता है कि प्रोटीन की प्रचुर मात्रा का नीचे निम्नलिखित में से एक सही फिलिंग द ब्लैंक्स को चुनिए, तो वहां पर चार ऑप्शन दे देता है। तो हम चारों चीज के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये था आपका पहला कार्बन हाइड्रेट, जिसको क्या कहा जाता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला कहा जाता है, जिसका मुख्य स्रोत क्या है, तो गेहूं, चना हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, आलू हो गया, ये सारी की सारी कार्बन हाइड्रेट प्रदान करने वाली चीज है, आपके स्रोत है। ओके,
चलिए सेकंड के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या है, प्रोटीन। अभी प्रोटीन का भी एक ऐसी आपका क्या कह सकते हो निकनेम होता है, जो कि क्या कहलाता है, आपका बिल्डिंग मटेरियल जाता है, या फिर इसी के साथ साथ में ये हमारी मरम्मत भी करता है। मतलब जो हमारे शरीर में चोट वगैरह लग जाती है तो उस चोट को ये ठीक करता है, इसलिए इसको रिपेयरिंग डैमेज टिश्यू भी कहा जाता है। ओके, तो ये इसके निकनेम है। शाब्दिक अर्थ में पढ़ लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन युक्त भोजन पदार्थ हमारे शरीर वृद्धि विकास व मरम्मत की या करने का काम में आते हैं। इसके जो प्रमुख स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, सभी प्रकार की दालें, दूध, मक्खन, पनीर, मांस, मछली या फिर अंडा या फिर अंकुरित अनाज, जैसे कि आपका मूंग हो गया, चना हो गया, किसी भी चीज़ की तरह की जो आप अंकुरित कर लेते हो, वो सारी चीज़ मेन आपकी क्या कहलाती है, वो प्रोटीन के स्रोत कहलाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा प्रोटीन क्या होता है, इस चीज से हमारे शरीर को वृद्धि होने में, यानी कि जो आपकी मांसपेशियां बढ़ती हैं वो किसके कारण बढ़ती है, प्रोटीन के कारण ही बढ़ती हैं। ओके, अगर आपको इसकी कमी हो जाती है तो किस चीज का आपको रोग हो सकता है, तो दो रोग देखे जाते हैं, एक तो आपका कैल्वेशियोकर रोग देखा जाता है और दूसरा सूखा रोग होता है। अब ये होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा इस दोनों रोग में बच्चा क्या हो जाता है, उसकी चमड़ी ढीली पतली सी होने लग जाती है, दुबला पतला सा होने लग जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज, अगर कुपोषण ये सारी की सारी चीज देखी जाए तो क्या हो जाता है, वो आपका प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रोटीन के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है, किस बीमारी से बच्चा ग्रस्त हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। या फिर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन शब्द का जो सबसे पहली बार प्रयोग करा था वो कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा आपका पहली बार प्रयोग इसका 1938 में किया गया था, जो कि किसके द्वारा किया गया था, जे ब्रेजिलेस के द्वारा किया गया था। ओके, पहली बार इसका लिया गया था, प्रयोग में लाया गया था। इंपॉर्टेंट है, नाम पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका वसा यानी कि फैट। अब इसका नेम निकनेम क्या है, तो रिजर्व फूड मटेरियल या फिर ऊर्जा बैंक भी इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि देखो वसा जो होता है, अगर आप किसी आपका शरीर जो होगा वो किसी ऐसी स्थिति में होगा जहां पर आपको खाना नहीं मिल रहा होगा, तो वो आपका वसा का इस्तेमाल करके क्या करता है, अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करता है। जैसे कि आप देखते हो कि कई बार आप भोजन जो है बर्थ के दिनों में नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आपका शरीर करता है, कार्य करता है। तो वो कैसे करता है कार्य, आपके शरीर में जो वसा जमा होती है, फैट जमा होता है, उसका उपयोग कर रहा होता है आपके शरीर उस चीज को। या फिर आप देखते हो जब आपको भूख लगती है तो आपका पेट काटने लग जाता है, तो क्यों काटने लग जाता है वो, तो आपके शरीर के अंदर वसा होगी, उसको धीरे धीरे आपका क्या करने लग जाता है, शरीर इस्तेमाल करने लग जाता है, इसलिए वो ऐसा होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा हमारा शरीर जो होता है वो वसा क्या कहलाती है, ऊर्जा बैंक कहलाती है। यानी कि जब आपको फूड ना मिल रहा हो या फिर आपने व्रत रख रखा हो, उस स्थिति में आपका शरीर वसा से ही कार्य अपना शरीर को चलाने के लिए इस्तेमाल में करता है, जिसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो दूध, घी, तेल, मक्खन, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी वसा की प्रमुख स्रोत कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका जल यानी कि वाटर। ये तो सिंपल वे में आप सबको पता है कि जल जीवन का आधार है, हमारे शरीर का लगभग 60-70% तक जल होता है, यानी कि हमारा जो शरीर बना हुआ है उसमें जो जल की मात्रा है वो 60-70% तक की है। और जल की पूर्ति करने के लिए हमें दिन में कितना लीटर की पानी की आवश्यकता है, कम से कम 2-3 लीटर की पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए हमारे शरीर की जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। ओके, तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, जो कि कौन सा था, वसा, जल, प्रोटीन या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट। अब आपके मेन पॉइंट पर चलते हैं, विटामिन्स के ऊपर, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आपके भर भर के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन। अब विटामिन को क्या कहा जाता है, तो इसका निकनेम है आपका रक्षात्मक भोजन, मतलब प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए वह आपका कौन सा लवण है जिसके कारण आपको किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की चीज़ की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये हमारी क्या करता है, तो हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, रोगों से हमारी ये रक्षा करता है।
जाता है, जैसे कि इसमें हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा इससे या इनसे नहीं मिलती है। यह हमारे रोगों से रक्षा करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आपका रक्षात्मक भोजन या प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। जिसके कारण यह कई बार आप देखते हो कि बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो विटामिन B2 या विटामिन 2B3 की इस प्रकार की आपकी गोलियां लिया करते हैं। तो क्यों लेते हैं, क्योंकि आपका उनका शरीर जो होता है वो सही तरीके से उन चीज़ों को बना नहीं पाता है। इसलिए जो विटामिन्स होती हैं उसके आपकी कई प्रकार की गोलियां आती हैं, वो कई चीज़ करके आपको लेनी चाहिए, वो भी किस चीज़ से, अपने डॉक्टर से सजेस्ट करके, ये नहीं कि आप बिना सजेशन के ही लेने शुरू कर दो। तो ये आपका क्या करते हैं, आपके शरीर को बाहरी रोग से, जो रोग आते हैं आपके शरीर के अंदर, उसको आपको बचाने के लिए क्या करते हैं, आपके बॉडीगार्ड के रूप में कार्य करते हैं। और ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इससे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। और विटामिन शब्द का जो इस्तेमाल किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो सी फंक नाम के आपके क्या थे, आपके वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1911 में इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। अब विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, विटामिन आपकी घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जो कि पहला आपका वसा में घुलनशील मतलब फैट सोल्यूबल, और दूसरा जल में घुलनशील मतलब वाटर सोल्यूबल। मतलब जो आपके वसा में घुल सकते हैं और जो आपके जल में घुल सकते हैं, उस आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अगर आप बात करें वसा में घुलनशील वाले आपके विटामिन्स के बारे में, तो ए डी ई और के जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। अगर जल की बात करें तो जल में आपके जितने भी आपके बी कॉम्प्लेक्स है, B1, B2, B3, B9, B12, ये सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर घुलते हैं, तो जल में घुलनशील है। और उसी के साथ साथ में विटामिन सी जो है वो भी आपका जल में घुलनशील विटामिन है। अब ये जो विटामिन होते हैं, यहाँ से कई बार आपके पूछ लिए जाते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर विटामिन के केमिकल यानी कि रासायनिक नाम बताइए, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो इसको हम एक एक करके बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं हम वसा में घुलनशील आपके विटामिन्स के बारे में। तो प्रॉपर मैंने आपके लिए एक टेबल बना रखा है जो कि आपको याद करने में भी आसानी हो। जैसे कि पहला आपका वसा में घुलनशील यानी कि फैट सोल्यूबल, तो फैट सोल्यूबल में आपके कौन से बताए थे मैंने आपको, विटामिन डी ई और के बारे में। तो जिसके आपके मैं आपको ये भी बताऊंगा उसके रासायनिक नाम क्या है, ये भी बताऊंगा उसके सोर्सेस क्या है, हमें किस चीज़ के लिए क्या खाना चाहिए जो उसकी पूर्ति हो जाए, और उसके आपके ना खाने से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, सारे विटामिन के क्वेश्चन से आपके यहाँ पर बहुत पूछे जाते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं विटामिन ए के बारे में। अब देखो विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या है, तो देखते ही बता सकते हो आप, रेटिनॉल जो है इस विटामिन का रासायनिक नाम है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है रासायनिक नाम को लेके। ओके, अगर आप इन चीज का इस्तेमाल नहीं करोगे, जैसे कि आपके हरी पत्तीदार सब्जियां होगी, गाजर हो गए, पालक हो गए, या सब्जियां होगी, ये सारी चीजों का आप इस्तेमाल नहीं करोगे, तब आपको विटामिन ए की कमी हो सकती है। और उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी बीमारी होती है, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हो, जो कि सही तरीके से व्यक्ति देख नहीं पाता। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से, या फिर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी, या फिर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। ओके, नेक्स्ट विटामिन है आपका डी। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है और उससे होने वाली बीमारी क्या है, तो पहले इसका रासायनिक नाम ध्यान रखिएगा, जो कैल्सिफोरस नाम होता है वो विटामिन डी का नाम है, केमिकल नेम, जो कि हमें ज़्यादातर प्राप्त किस चीज़ से होता है, तो सूरज के प्रकाश, जो सनलाइट होता है उससे हमें प्राप्त होता है। और उसके साथ साथ में आपको पनीर से, बादाम से, मूँगफली से, सोयाबीन से, अंडे से, इन चीज़ों से भी आपको विटामिन डी प्राप्त होता है, लेकिन मेन क्या है आपका, सूरज का प्रकाश। अब ये भी नहीं है कि दोपहर में जाकर आप सूरज के पास बैठ जाओगे, सूरज की किरणों पर बैठ जाओगे, तो आपको विटामिन डी मिलेगा, नहीं, जो सुबह सुबह की किरण होती है ना आपकी, अर्ली मॉर्निंग की, उससे मिलता है विटामिन डी। ओके, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो किस चीज की आपको बीमारी हो सकती है, तो रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। अब ये क्या होता है, तो हड्डियों का निर्माण या दांतों का जो आपके निर्माण होता है ना, उसका आपके निर्माण में थोड़ी कमी आग देखने को मिल सकती है, तो बच्चों में होता है अधिकतर रिकेट्स। ओके, तो पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई। अब इसका नाम क्या है रासायनिक नाम, तो ध्यान रखिएगा, टैकोफेलर, ध्यान रखिएगा क्या नाम है इसका, टैकोफेलर जो नाम है इसका। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके ना होने पर
यानी कि इसकी कमी होने पर किस प्रकार की बीमारी हो सकती है, तो आप देख सकते हो कि पुरुष के अंदर इसके अंदर नपुंसकता और स्त्री के अंदर बांझपन जो होता है वो इसी विटामिन की कमी के कारण होता है। जिसको पूर्ण करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अंकुरित बीज हो गए, सोयाबीन होगी, सब्जी हो गए, फल हो गए, इन चीजों का आप ज्यादा से ज्यादा सेवन करो तो ये विटामिन आपको मिलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट विटामिन है आपका के। अब विटामिन के की कमी से आपका बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चन तो लगा लो एकदम फेवरेट उनका। अब इसका केमिकल नाम भी ध्यान रखिएगा कि कई बार आपका केमिकल नाम भी पूछ लिया जाता है। तो केमिकल नेम क्या है आपका, तो फेरोकुलीन जो नाम है इसका केमिकल नेम है। और इससे बीमारी होने वाली कौन सी होती है, तो रक्त का जो थक्का होता है, मतलब जो आपके चोट लगती है, तो चोट लगने पर आपका जो खून होता है वो बहना बंद नहीं होता, तो रक्त का जो थक्का होता है, मतलब मोटे मोटे थक्के बन जाते हैं जिसके कारण खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर इसके विटामिन के की कमी है आपके अंदर तो वो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, इसलिए वो आपके विटामिन के कारण होता है। जिसके पूरी करने के लिए विटामिन के को दूध, अंडा, मांस या फल हो गया, इस नाम से, इस चीज का सेवन करने से आपका हो सकता है पूर्ण वो। और ये विटामिन के का नाम एक और नाम से जाना जाता है, जो कि क्या कहा जाता है, इसको रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। क्यों, क्यों देखो, जो रॉयल फैमिली है इंग्लैंड की, रानी महारानी, उनकी फैमिली में ये बीमारी थी जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में जाती रही है, तो वहां पर इसीलिए इस बीमारी को रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा केमिकल नेम क्या है जो कि वसा में घुलनशील है और उससे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एक वीडियो में आपकी एक और अपलोड करूंगा, ये वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, जिसमें आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि किस प्रकार से हम उसके केमिकल नेम को और उसके डिसीज को याद रख सकते हैं। अभी मैं आपको टेबल से समझा रहा हूँ सारी की सारी चीजें। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं जल में घुलनशील वाले कौन कौन से हैं, वाटर सोल्यूबल कौन कौन से हैं। तो पहला आपका B1, ध्यान रखिएगा जितने भी बी कॉम्प्लेक्स है वो सारे जल में घुलनशील होते हैं। तो पहला हो गया आपका B1, जिसका केमिकल नेम क्या है, तो थायमीन है। जो कि सोर्सेज क्या है उसके, तो दाल, हरी सब्जियां और फल वगैरह का सेवन करते हो तो आपको B1 मिलता रहेगा। अगर उसकी कमी हो जाती है तो आपको किस प्रकार का रोग हो सकता है, तो बेरी बेरी प्रकार का रोग हो सकता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। दूसरा आपका विटामिन B2, अगर विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो आपने देखा होगा स्किन जो होती है वो मछली जैसी, खाल जैसी हो जाती है, मतलब वो हल्की हल्की सी फटने फटने से लग जाती है, सर्दियों में आपने अधिकतर देखा होगा, तो वो B2 की कमी से ही होता है। अधिकतर आप अगर कोई क्रीम या लोशन वगैरह खरीदोगे तो उसमें देखना लिखा होगा आपका इसमें विटामिन B2 भी है, तो वो क्या करता है आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाता है, तो इसकी कमी होगी तो आपकी स्किन कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। ओके, और इसका नाम क्या है केमिकल नेम, तो राइबोफ्लेविन इसका नाम है। ओके, जिसका अंडा, दूध, हरी सब्जियां जो होती हैं, इसकी कमी आपका अगर लोगे तो इस चीज से आपका B2 की कमी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट केमिकल नेम है आपका B3, जिसका आपका केमिकल नेम क्या है, तो नियासिन जो है आपका इसका केमिकल नेम है, जिसके कारण से आपको क्या हो सकता है या बच्चे में, तो जितने भी प्रकार की आपकी डी प्रकार की बीमारी होती है, जैसे कि डायरिया, डिस्थेमिया मतलब भूलना, या आपका ट्रेमेटिक्स या फिर डेथ, वो सारी की सारी चीज़ें जो बीमारियां होती है वो आपके B3 की कमी से होती है। लेकिन क्वेश्चन अधिकतर आपका डायरिया से पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपका यहाँ पर डायरिया ही ऐड करा है। तो ध्यान रखिएगा अगर B3 की कमी होती है बच्चे के अंदर, व्यक्ति के अंदर, तो डायरिया रोग हो सकता है। नेक्स्ट है आपका M और B9, दोनों केमिकल नेम ध्यान रखिएगा आपका कौन सा, विटामिन M और विटामिन B9, दोनों को क्या कहा जाता है, फॉलिक एसिड कहा जाता है। जिसके सोर्सेज क्या हैं, तो सेम आपकी वही सोर्सेज है, अंडा, दूध, हरी सब्जियां, फल वगैरह। ओके, जिसके कारण क्या होता है, अगर कमी है तो आपके मुंह के अंदर जो देखा होगा आपके छाले हो जाते हैं होठों के पास या होठों के अंदर, वो किसके कारण होता है, तो इसी के कारण होता है। तो आपने देखा होगा जब वो ट्यूब लाते हो आप लगाने के लिए, तो उसमें लिखा रहता है विटामिन BN, विटामिन M इसके अंदर है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए, वो छाले को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B12, जिसका केमिकल नेम क्या है, तो साइनोक्लोबलिन जो नाम होता है वो इसी का ही नाम है। जो कि सोर्सेज क्या है इसके, दाल,
हरी सब्जियां और फल जो होते हैं इसके सोर्सेज हैं, जिसकी कमी से हमें किस प्रकार की बीमारी हो सकती है, तो अकराकृति बीमारी हो सकती है। अब ये होता क्या है, तो जिसको आप एनीमिया भी कहते हो, इंग्लिश में एनीमिया देखा होगा आपने अधिकतर, तो किसकी कमी से होता है, वो आपका B12 की कमी से होता है, जिसमें क्या होता है आपका जो न्यूरो सिस्टम होता है ना वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाता, मांसपेशियां क्या होती है मजबूत नहीं होता है, या फिर आपके जो रक्त का जो निर्माण होता है या फिर आपका कैंसर रोधी होता है उसकी चीज की कमी के कारण हो सकता है। अगर आप इस चीज को लेते रहोगे तो ये सारी चीजें क्या होंगी आपके लिए मजबूती होंगी, यूजफुल आपको बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा एनीमिया किसके कारण की कमी से होता है, B12 की कमी से होता है। और साथ ही साथ में आपका लास्ट जो है जो कि क्या होता है आपका विटामिन सी। अभी विटामिन सी की कमी से क्या होता है या फिर इसका केमिकल नेम क्या है, तो ध्यान रखिएगा एस्कॉर्बिक जो नाम होता है वो आपका एसिड, वो विटामिन सी का केमिकल नेम है, जो कि इसकी बीमारी यानी कि इसकी कमी के कारण जो आपको बीमारी देखने को मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, स्कर्वी जो आपकी बीमारी होती है वो देखने को मिलती है, जो कि आपने देखा होगा मसूड़ों से खून वगैरह निकलना उसी को ही कहा जाता है। अगर आप विटामिन सी यानी कि उसके सोर्सेज के लिए जितनी भी खट्टी सब्जियां हैं जितनी भी खट्टे फल है वो आप इस्तेमाल करोगे तो उसकी कमी पूरी हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, अमरूद, हरी मिर्च की जो बीज होती हैं, सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सोर्स है इन चीज़ के विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए। ओके, तो दोस्तों ये थे आज के आपके 3 टॉपिक जो कि यहाँ से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, मेला, जल, स्वास्थ्य एवं भोजन के बारे में। तो इन तीनों टॉपिक के बारे में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु होते थे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते थे वो भी मैंने आपको करवाया, और कुछ सेलेक्टेड पॉइंट भी करवाए जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। ओके, तो ये थे आज के आपके पर्यावरण अध्ययन की सेकंड शॉर्ट नोट्स की वीडियो, 3 टॉपिक को कंप्लीट करवाते हुए। ओके, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, और साथ ही साथ में ये बताइएगा तो इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू करना है आपके एग्जाम तक के, ताकि आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके, अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपका रिविजन हो सके, और कुछ बच्चे नए जुड़े हैं तो उनको पता चल सके किस प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखना है या नहीं। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।